यूपी के शाहजहांपुर में एक ट्रक चालक का हैवानियत भरा चेहरा सामने आया है। वहां ट्रक चालक ने अपने साथी ट्रक चालक की दांतों से जुबान काट कर अलग कर दी, इसके बाद वहां से फरार हो गया। फिलहाल घटना की जानकारी पर पुलिस पहुंची और घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मुरादाबाद हाईवे पर तेज रफ्तार कार ड्राइवर के नियंत्रण खोने के कारण गन्ने के खेत में जाकर धंस गई। गनीमत ये रही कि हादसे के वक्त तेज रफ्तार कार के सामने कोई नहीं आया। चश्मदीद के मुताबिक हादसे के वक्त कार में 5 लोग सवार थे, जिन्हें ज्यादा गंभीर चोटें नहीं आई हैं। वहीं हादसे के बाद सभी घायलों को दूसरे वाहन से उत्तराखंड के काशीपुर भेजा गया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोबिन अहमद है। क्या हुआ मोबिन जी? गाड़ी आ रही थी मुरादाबाद साइड से बहुत तेज रफ्तार से और ड्राइवर से खबर नहीं। अच्छा, तो कहाँ गई है गाड़ी? अभी ये गाड़ी अंदर लगभग 30 मीटर अंदर गन्ने में गई। किसी के ज्यादा छोटे तो नहीं आए? किसी के ज्यादा। कितने लोग थे? 5 लोग थे। कौन सी जगह है जहाँ एक्सीडेंट हुआ है? ये बिहारपुर सुल्तानपुर थाना जिला मुरादाबाद। मुरादाबाद हाईवे पर तेज रफ्तार कार ड्राइवर के नियंत्रण खोने के कारण गन्ने के खेत में जाकर धंस गई। गनीमत ये रही कि हादसे के वक्त तेज रफ्तार कार के सामने कोई नहीं आया। चश्मदीद के मुताबिक हादसे के वक्त कार में 5 लोग सवार थे, जिन्हें ज्यादा गंभीर चोटें नहीं आई हैं। वहीं हादसे के बाद सभी घायलों को दूसरे वाहन से उत्तराखंड के काशीपुर भेजा गया है। कंट्रोल रूम को सूचना मिली कि पंडित नगला बाईपास रोड पर किसी फैक्ट्री में आग लगी है, उसका नाम ग्रेट सिटी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। इस सूचना पर तत्काल हमने 2 गाड़ी रवाना किया और मैंने मैसेज किया अपने जो स्टाफ को कि जाकर के देखे क्या स्थिति है। 2 गाड़ी तत्काल रवाना करते हुए हमने फिर स्थिति देखा, क्योंकि यहाँ पर मैं महसूस किया हूँ कि जो फायर सेफ्टी अरेंजमेंट थोड़ा सा उस तरह के नहीं है जो लोगों को रखने चाहिए। तो 2 गाड़ी और फिर हमने रवाना किया, आकर के देखा कि हमारी जो टीम थी यहाँ काम कर रही थी, जो ये बिल्डिंग है ग्रेट सिटी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, इसके ग्राउंड फ्लोर में जो लोडिंग एरिया है उसमें आग लगी हुई थी और ऐसा प्रतीत होता है कि आग काफी पहले लगी होगी क्योंकि फैक्ट्री इस दौरान बंद थी। सतना की बात करते हैं, जहां उच्चेहरा में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में 105 जोड़ों का विवाह करवाया गया। और अब खबर सागर से, जहां निर्माणाधीन सड़क की पुलिया के डायवर्जन बह जाने से लगभग 20 गांवों के लोगों का आवागमन प्रभावित हो गया था, जिसकी मीडिया में खबरें चली और मंत्री गोविंद राजपूत निरीक्षण करने पहुंचे। पीलीभीत में गाय खेत से चली जाने के कारण रंजिशन एक वृद्ध को 2 ग्रामीण खेत से उठाकर ले गए। आरोप है कि दूसरे खेत में ले जाकर मारपीट की गई। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर वृद्ध को छुड़ाया। पुलिस ने अपहरण और मारपीट का मुकदमा दर्ज कर दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया है। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले में एक प्रेमी प्रेमिका को बिजली के खंभे से बांधकर पीटने का मामला सामने आया है। दरअसल लोगों ने प्रेमी प्रेमिका को आपत्तिजनक हालत में पकड़ लिया था। इसके बाद मौके पर मौजूद भीड़ ने प्रेमी प्रेमिका को जमकर पीटा। प्रेमी प्रेमिका की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। सिद्धार्थनगर के बेनीगर गांव के हाईवे रास्ते पर एक अज्ञात शव मिलने से सनसनी फैल गई। शव की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। यह महिला के बाल काट के पूरे गांव में घुमाए गए हैं सर, ये प्रकरण है सर, इसमें थोड़ा सा अपडेट करते हैं। देखिए, ये चीज अभी मेरे संज्ञान में आई है कि जिसमें कुछ वीडियोज भी मिले हैं और थाने पे ये हरकत की गई है। अगर जिसने भी की है, कोई भी कारण हो, पर कोई भी आदमी या कोई भी पब्लिक किसी भी इस तरीके से किसी भी लोगों के साथ इस टाइप का दुर्व्यवहार नहीं कर सकते, चाहे रीजन कुछ भी हो। तो जो भी वीडियो में और बाकी थाने पे बात करके जो भी लोग इसमें संलिप्त है, कोशिश की जाएगी कप्तान साहब से बात करके सब नामजद हो, उनके खिलाफ कार्रवाई भी।